दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि मजुई में किस प्रकार से लोग इकट्ठा हुए थे, अभिषेक यादव को वेट कर रहे थे बेसब्री से कि हमारे देश का लाल भारत माता की गोद में सो गया है। कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे भारत माता की गोद में सो जाए, कोई शहीद हो जाए, किसी की जान तक चली जाती है, लेकिन उनकी माँ और उनके परिवार में कुछ न कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि यार मेरा ज़िंदगी लुट गई। तो दोस्तों, मैं यही इससे मौजूद है, अभिषेक यादव जो गाजीपुर के शहीद हुए हैं उन्हीं के घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत सी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई उनका वेट करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ उनकी भाभी हैं, ये इनकी भाभी हैं, वो उनकी माता जी हैं, और पीछे बहनें भी उनकी हैं, रो रही हैं। उनका दर्द है कि मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया भारत माता की सेवा करते करते। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति शहीद होता है तो उनके लिए इतना हुजूम ऊपर पड़ता है कि लोग किस तरह से उनको लाने के लिए दूर दूर से चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस जगह इतनी भीड़ होने वाली है, फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, लोग लाने के लिए गए हैं पार्थिव शरीर को, उनको किस तरह से स्वागत किया जाएगा बाहरी बारी से मैं दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं से मैं पूछना चाहूँगा कि अभिषेक यादव जी के बारे में कितना जानती है। माता जी, ये बताएँ कि आपका क्या नाम बटे? अजी भी आगे थोड़ा सा आगे का नाम बताएं। अभिषेक यादव की जाना थी? हाँ। का लगन है आपका अभिषेक यादव? भतीजा लगन है। भतीजा लगत रहा है। अब बगल के बड़ा भतीजा ने बड़ा भैया। अच्छा अच्छा। उनके कितना दिन हो गए नौकरी को ले? अब हम बता नहीं। चाची के गाँव घर? हाँ, हम आ रहे हैं। कितना दूर से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं कनेरी से बेटा। कनेरी से? तो खाली इनका बात सुन के आ रहे हैं की पहले से आ रहे हैं? नहीं, हम आ रहे हैं टाइम में भैया। दो साल? अच्छा, ये बताई हमारे देश का लाल गाजीपुर का शहीद हो गए, तकलीफ तो बहुत हुई? तकलीफ तो अंदर बटली ना बाबा चवा। लेकिन गर्व भी तो होके के चाहिए, गर्व है कि ना आपको? काहे ना दर्द है, गर्व बा गर्व कि हमारे देश का लाल जो है कि हमारा बेटा भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया। अब तो चली गई ना। दोस्तों, महिलाओं का दिल इतना पिघला हुआ होता है, इतना नरम होता है कि कुछ भी जता नहीं पाती है कि वो कैसा हमारा बेटा शहीद हुआ है। ये गर्व महसूस करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। दोस्तों, भाभी जी है इनकी, कुछ कह नहीं पा रही है। मजबूरी यह है कि भाई कोई ना कोई घर का जो बच्चा है शहीद हुआ है तो कैसे कुछ बोल पाएंगे। देखिए इन लोगों का, बस मैं लोगों को रोना दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बगल में माता जी है, थोड़ा सा माता जी से बात करेंगे। माता जी बताए, आपका लगा के बंद होकर नौकरी बोले? दो साल भयल है लाल के नौकरी पवले। अरे हमार बुढ़ौतिया बिगाड़ दिले है, आ बुढ़ावा का बुढ़ौतिया बिगाड़ दिल, आ हमान का गुजरवा के करी, हमान का परवा के लगाई। लाल हमार कह रहा कि हम लगाई, आ हमारे लाल हमारे हर केसो का लगे के चाही, आ हमहनों का वही में लगे के चाही। शादी के ले लो कि ना उनको? आय शादी भइल लेकिन ना शादी ना भइल ना। अरे ना छोटा लड़का रहना आप दू जाने सबसे छोटा ना पड़ रहना? छोटा रहना है, छोटा रहना है। बहन का जन्म? पांच गो। वाह वाह वाह। बहन आके देखे के हो? कब पता चल कि हम आपके बेटा अपना हुए दुनिया में? कब पता चल? कब पता चला आपके दुनिया में? परसों भोरावा में हो लाल। दोस्तों, माता जी है, माता जी को कह पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे बहन है, यहाँ पे थोड़ा सा बताइए। भैया 2018 का? अरे भैया मारा। चलिए दोस्तों, मैं जैसा कि महिलाओं को दिखा रहा था कि उनकी माताएं, बहन और जो भाभी जी थे इस तरह से रो रही थी कि दुख है, दर्द है, तकलीफ है। उनको क्या पता शहीद क्या होता है, उनको क्या पता है गिरो किस बात की।
क्योंकि महिलाएं हैं ना, महिलाओं का जो दिल होता है बहुत नरम होता है। बाकी यहाँ पे प्रधान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रधान जी बताइए कि पहले आप अपना परिचय बताइए। जी मंजूलाल यादव जी, ये मेरे चाचा का लड़के थे और आज भी लगभग 2 साल पहले ही भर्ती हुए थे। सामने आएगा, सामने से करिए। और 5 बहन और 2 भाई थे जी, जिसमें सबसे छोटा था। अच्छा अच्छा। और इसके लगन थी कि हम जाएंगे तो सेना में ही जाएंगे। अरे वाह। और दुर्भाग्य कहा जाएगा, और इसके आगे हम क्या कहें। अभिषेक यादव की नौकरी कब लगी थी? 6 जून 2019 को। 19 में, आज हो 21, यानी 2 साल लगभग। 2 साल लगभग, 2 साल हुआ है। कितने भाई थे? 2 भाई थे। बहने कितने थे? 5 बहनें थी। 5 बहनें थी। तो ये सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे। बहनों में सबसे छोटे थे? सबसे छोटे थे सब। अच्छा अच्छा, प्रधान जी ये बताएं कि आप तो, आपको पता ही कि लगातार कुछ दिनों से, कुछ इस साल में देखा जाए तो कई शहीद हमारे गाजीपुर के लड़के हुए हैं। अगर अब जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह देश सेवा में क्या है, अब तो ये दुर्घटना कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, मगर अब देश सेवा से तो पीछे नहीं हटेंगे। देश सेवा तो करेंगे, लोग करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। जान जाए पर वचन न जाए। दोस्तों ये अक्सर जितने भी इंडियन आर्मी के लड़के तैयारी करते हैं, उनके अंदर यही स्वभाव होता है कि मैं कुछ भी करूंगा, तैयारी करूंगा, आर्मी में जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लोग कहते हैं कि शहीद होना सबके बस की बात नहीं है। जो शहीद होता है उनके पूरे परिवार को गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। तो दोस्तों और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी पार्थिव शौर्य आने वाला है। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सेस, मैं सत्यानंद स्वामी। शुक्रिया।